एवरीवन, तो मैं जा रही हूँ अब शादी में, और शादी में आज का जो फंक्शन है वो है हल्दी और मेहंदी का। तो इस बार की जो शादी है वो है मेरे भैया लगते हैं तंजिन भैया, उनका घर का नाम तंजिन भैया है, और उनकी शादी हो रही है बारंग से, लड़की बारंग से है। आज हल्दी मेहंदी है, कल बारात जाएगी सुबह। तो अभी मैं जा रही हूँ हल्दी मेहंदी के लिए, और गाँव के लोग भी जो है अब काम में लग चुके हैं, सारे के सारे कुछ खाना बना रहे हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया हमेशा कि हमारे यहाँ पे ग्रुप बने होते हैं जिसको हम अपनी बोली में ट्वांग बोलते हैं, तो हर एक ट्वांग का अपना अपना बारी है। तो किसी की बारी टेंट लगाने की है, किसी का खाना बनाने का, किसी का सर्व करने का। तो जिनकी बारी टेंट लगाने की है तो वो लगा रहे हैं, एक यहाँ लगा हुआ है। तो बाकी अब उनके घर पहुँचने तक मैं आपको बहुत कुछ दिखाती रहूँगी, क्या क्या कहाँ कहाँ चीज़ें हो रही हैं। और कुछ लोग नीचे खाना बना रहे हैं, एक यहाँ पर है, हेलो हेलो, और यहाँ पे डांस की तैयारी। और हमारे दीदी नाने, नमस्ते नाने, नमस्ते नमस्ते। मैं और भैया अभी जा रहे हैं शादी वाले घर में, तो वो है शादी वाला घर। बस नाने, और ये है भैया की मम्मी, तंदिन भैया की मम्मी। यहाँ कौन है? नमस्ते 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 नमस्ते। हल्दी और यहाँ पे जो डेकोरेशन है अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, देखो अच्छा लग रहा है। वो अभी तक भी नहीं आया, मतलब उसकी हल्दी मेहंदी भी तो स्टार्ट नहीं हुई है, और यहाँ बहनों ने डांसना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर नाचने के बाद अब फाइनली हम जो है हल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हल्दी जो है दुल्हन की मम्मी लगाएगी, उसके बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली लगाएगी। तो ये जो डेकोरेशन किया है, ये क्या है इन्होंने? बताओ नाम तो बताओ अपने डेकोरेशन का। लगाते रहो लगाते रहो, आराम आराम से, बढ़िया से। जाओ मम्मी के साथ इकट्ठे जाओ, हाँ लगाओ, फोटो नहीं निकालना पहले वीडियो बनेगा। हाँ लगाओ लगाओ, तसल्ली वाला, तसल्ली से नहीं नहीं लगाओ 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 लगाओ, बस हाथ में लगा लो, भैया ढंग से लगा। थैंक यू सो मच।
फंक्शन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो दूल्हे ने नहाना है, फिर जाके मैं और छोटी दीदी मेहंदी लगाएंगे। तो अभी हम लोग जाके पहले खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है हमारे को, फिर आके मेहंदी स्टार्ट करनी है ना दीदी। भैया काम करने लग गए। चलो खाना तो भैया बर्तन और टेंटिंग का टेंटिंग है और हमारा बांटने का ना। मेरे मामू छुपो डोंग में और मैं लखरे डोंग में हूँ। अब होने वाली है भैया की मेहंदी स्टार्ट। ओ बोले ऑरेंज ऑरेंज क्या आपकी डिमांड पड़ी थी असल बोल रहे हैं करो निकलने वाली है। तो उससे पहले यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट वगैरह खिला रहे हैं और ऊपर शादी वाले घर में दूल्हा तैयार कर रहे होंगे। तो मैं जाती हूँ, अब देखती हूँ क्या क्या हो रहा है और यहाँ पे गांव के लोगों को भी दिखाती हूँ क्या क्या कर रहे हैं। कोई ब्रेकफास्ट बांट रहा है, कोई बना रहा है। चलो नमस्ते भैया। नमस्ते नानी। चाय बना रहे? नमस्ते नानी। नमस्ते। खुरा बना रहे आप लोग वाला? हेलो बोरे जी। वो देखो ब्रेकफास्ट के लिए खुरा बन रहा है इधर। वाह यार आप लोग खुरा देख रहे, खाने का मन कर रहा है। नमस्ते नानी। नमस्ते नानी। नहीं जा रही यार। नमस्ते मां जी, यहाँ रोटी बना रहे। नमस्ते। नमस्ते। हर टोंग वाले अपना अपना काम कर रहे हैं, जिन टोंग की जो बारी है ग्रुप की। और अभी हम लोग जाएंगे दूल्हे के घर में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इसके बाद बारात निकल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे जो है लामा जी वगैरह पूजा कर रहे थे, तो हमारी शादी में लामाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। और दूल्हा और दूल्हे का साथी अब रेडी हो रहे हैं। अभी यहाँ पे इनको पग वगैरह पहनाया जाएगा, फिर यहाँ से बारात निकलेगी। तो
और यहाँ पे दूल्हे की जो सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारे अब तैयार हो गए थे बारात जाने के लिए। भैया स्मार्ट लग रहे हैं आप। जो भी लोग बारात में जाएंगे उन सबको यहाँ पे फूल दिया जाएगा। लाड़ी, लाड़ा, लाड़ी। एंड जो भी लोग बारात जाने वाले हैं उनको यहाँ पे ब्रेकफास्ट करवाया जाएगा। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है सारे फिर बारात में निकल जाएंगे। और जो बैंड वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पे टोपी, फूल ये सब पहनाया जाएगा। और यहाँ पे जो है माजोमी और दूल्हा जो है एक सर्कल में बैठेंगे। और जो माजोमी है अभी कोरंग, जो शराब होती है जिसको हम लोग कोरंग बोलते हैं, उसको लेके उसमें पूजा करेंगे। फिर जो टीका है वो सबसे पहले दूल्हे को लगाया जाएगा, उसके बाद जितने भी लोग बैठे हैं साथ में माजोमी उन सबको टीका लगाया जाएगा। दूल्हे को और दूल्हे की जो साथी को है सबसे पहला पग जो है वो मामा जी बांधता है दूल्हे का। तो अभी यहाँ पे जो मामा है वो दूल्हे को पग बांध रहे हैं। उसके बाद जो दूल्हे की मम्मी है वो दूल्हे को माला वगैरह और जो भी उन्होंने देना है वो यहाँ पे देंगे। और दूल्हे की मम्मी जो है अभी यहाँ पे जितने भी माजोमी वगैरह बैठे हैं और दूल्हे के साथी सबको टोपी और माला देके उनका सम्मान करेगी। आपने उधर से ही करना, हमें ये निकालने के बाद फिर फोटो निकालना। और दूल्हे की जो सिस्टर्स हैं वो अभी गेट पे जो है दूल्हे को ये हार पहनाएंगे। घर से निकलने से सबसे पहले जो दूल्हा है वो लामा जी के पास जाता है और वहाँ पे जो लामा जी है इनको ये जिसको हम लोग टुंगमा बोलते हैं ये पहनाएंगे। क्योंकि शादी के समय दूल्हे पे सबसे ज़्यादा नज़र होती है, तो हमारे मानते हैं कि अनवांटेड जो शक्तियाँ हैं, नज़र है, उनसे दूल्हे की प्रोटेक्शन करता है ये। और साथ में जो ये हाथ में लेने वाला है कुथंग, ये भी दूल्हा लेके जाता है। दूल्हे की जो बहनें हैं वो दूल्हे की आरती उतारेगी, उसको माला पहनाएगी और साथ में जो भी उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह देने हैं वो यहीं पर ही देंगी। इसी तरह जितनी भी बहनें हैं वो सारी जो है दूल्हे को हार पहनाएंगे यहाँ पे बारी बारी से। गेट में माला वगैरह हार वगैरह पहनने के बाद अब जो है दूल्हा सबसे पहले संतंग जाएगा, वहाँ पे माथा टेकेगा और फिर यहाँ से सब लोग निकल जाएंगे दुल्हन लेने के लिए।
मैं भी अब घर जा रही हूँ। तो इसके बाद जो बारात है अब दुल्हन को लेके शाम को आएगी। तो बारात जा रही है बारंग गाँव में और मैं इस शादी में नहीं होंगी। इसके बाद आपको शादी का कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे कहीं और जाना है और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अब अगली व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।